आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन है इसको कैसे आप टैकल करें IBPS PO प्री एग्ज़ाम के लिए, प्री और मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे कॉल आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मेल किया कि सर पिछले 1 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ या पिछले 1.5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार फेल हो रहा हूँ। तो आज आप सब स्टूडेंट के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, एंड तक देखें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है रमनदीप सिंह, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का बटन है वो नीचे होता है, सब्सक्राइब का लाल रंग का बटन, उसे दबा लें। तो पैटर्न आपको, आई थिंक ये पैटर्न आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आप ये चैनल को फॉलो कर रहे हैं, बैंक एग्जाम टुडे के चैनल को, या आप ऑनलाइन थोड़ी सी भी अपने रिसर्च कर रखी है तो आपको ये ऑलरेडी पता होगा। अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस आते हैं, अप्रॉक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन में से 0 से 5 मार्क आता ही आता है। डेटा इंटरप्रिटेशन है, 2 से 3 सेट आते हैं। फिर नंबर सीरीज़ है, आप कह लीजिए, उसमें से 0 to 5 मार्क्स मिसिंग सीरीज़ आ जाता है या कंप्लीट द सीरीज़ आ जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आता है, बाकी अरिथमेटिक में से टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज मिक्सचर, ये जो चैप्टर्स हैं इसमें से 10 से लेके 12 मार्क का पेपर आता है। टोटल ऐसे करके ये 35 मार्क का पूरा पेपर बनता है। आपको तकरीबन अलॉट करने हैं 20 से 22 मिनट, और इतनी देर में आपको अटेम्प्ट भी करने हैं 20 से 22, कम से कम 20 से 22 मार्क लेकर आने हैं। मैं तो कहूँगा 25 अटेम्प्ट है, 25 का अटेम्प्ट है, ये बेस्ट मैं कहूँगा अटेम्प्ट है QT सेक्शन के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे कहते हैं सर 75 मार्क भी लाए जा सकते हैं, ऐसे वो थोड़े जीनियस टाइप के लोग होते हैं, उनके आ जाते हैं। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं या थोड़े से अबव एवरेज भी हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा एवरेज किस्म का ही कह लीजिए स्टूडेंट रहा हूँ अपने टाइम में, तो मैं उसी तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। 20 से 22 मिनट में, 1 मिनट में एक क्वेश्चन की आप एवरेज लेकर चलें, तो 60 मिनट में अगर आप 60 क्वेश्चन करते हैं, 65 क्वेश्चन करते हैं, तो आप आसानी से 50 से लेकर 55 मार्क लेकर आ सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हर स्टूडेंट का 60 नंबर आए। अगर आप IBPS PO मेगा प्रिपरेशन सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो उस पर मैं ये अप्रॉक्सीमेशन का चैप्टर ख़त्म करवा चुका हूँ। सीरीज़ का मैंने एक पार्ट कर दिया है, एक पार्ट किया है, अभी 2 पार्ट बाकी हैं। अरिथमेटिक में टाइम एंड वर्क कर चुके हैं, इसका एक पार्ट कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कर चुके हैं, पाइप्स एंड सिस्टम कर चुके हैं। तो काफ़ी हमने IBPS जो मेगा प्रिपरेशन सीरीज़ है उसमें काफ़ी तेज़ी से हम आगे चल रहे हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ गुरु मंत्र दूंगा जो आपकी आगे की जो तैयारी है उसमें आपकी हेल्प करेंगे, एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो मेरा पहला टिप है आपके लिए, पहला जो सजेशन है आपके लिए, एक बड़े भाई की तरह मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग ज़्यादातर लोग 22-23 साल के होंगे और मैं 28 साल का हूँ, तो मैं आपका बड़ा भाई जैसा ही हूँ। पहला जो मेरा टिप है वो ये है, अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करें, एस्टीमेशन यूज़ करें, ऑप्शंस को एलिमिनेट करें। 5 ऑप्शन दी हैं, तकरीबन तकरीबन जो आपका आंसर जो जिसके तकरीबन तकरीबन आता है, आसपास आता है, उसे टिक करके घर आ जाएं। एग्जैक्ट आंसर आपने नहीं निकालना है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ये CBSE नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की गलतफहमी है कि वो CBSE की तरह स्टेप मार्किंग की तरह उन्हें आदत पड़ी हुई है, स्टेप मार्किंग जैसे होती है, एक एक स्टेप करते हैं, वो नहीं करना है। पेपर का कम से कम इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि जी इसको 48 को 105 से मल्टीप्लाई कर दो और कह लीजिए कि इसको डिवाइड कर दो 130 से या 135 से डिवाइड करो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में, 5 सेकंड में इस कैलकुलेशन को या 10 सेकंड में कैलकुलेशन को कर सकते हैं? लेकिन पेपर आपसे यही एक्सपेक्ट करता है, जो एग्जाम सेटर है या जो पेपर है वो आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि ये आप 10 सेकंड में करेंगे। लेकिन अगर एक एक
आप कह लीजिए कैलकुलेशन, इसको 48 को 105 से मल्टीप्लाई करके 135 से डिवाइड करने जाएंगे तो नहीं होगा, आपको अप्रॉक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेशन की मैं सेशन 3 कर चुका हूं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसे जरूर देखें। एग्जैक्ट आंसर ना निकालें पेपर में, आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आप एग्जैक्ट आंसर निकालें। बहुत सारे टॉपर्स हैं जो मुझसे पढ़ के भी गए हैं और मेरे कुछ साथी थे, 2013-14 की बात कर रहा हूँ, 2012-13 की एक्चुअली, तो वो लोग भी कभी कभी मिलते हैं, तो वो हम लोग मजाक मजाक में बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि भाई यार आजकल स्टूडेंट एग्जैक्ट आंसर निकालते हैं, हम लोग तो पेन भी यूज़ नहीं करते थे, हम लोग तो क्वांट का पेपर बिना पेन यूज़ किए दे आते थे, तकरीबन तकरीबन करते करते हम लोग निकाल लेते हैं, निकालते थे, ऐसे करते हैं लोग, टॉपर्स ऐसे ही करते हैं, इवन एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट और टॉपर में बैंक एग्जाम में यही डिफरेंस है, टॉपर जो है वो पेन का कम इस्तेमाल करता है, जो एवरेज स्टूडेंट है वो पेन का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, और इसीलिए टॉपर पेपर में 70 क्वेश्चन करता है और एवरेज स्टूडेंट पेपर में 45 क्वेश्चन करता है, 50 क्वेश्चन करता है, समझ में आई बात। ये जो टॉप एक्यूरेसी दोनों का बराबर है, दोनों का नॉलेज बराबर है, लेकिन ये जो टॉपर है ये रिस्क टेकर है और इसे 70 में से 60 मार्क कम से कम चाहिए, और ये एवरेज बंदा है, ये 45 सोच के गया है, ये 45 अटेम्प्ट कर रहा है और आते हैं 35 मार्क, इसके 60 मार्क आ गए, इसके 35 मार्क आ गए, तो बेटर कौन हुआ, समझ रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अप्रॉक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा, एस्टिमेशन यूज करना पड़ेगा, ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टिप है मेरी तरफ से, मैजिक ट्रिक्स को अवॉइड करें जितना हो सकता है उतना। दो चार बुक्स भी मार्केट में आती हैं, वैदिक मैथ्स की बुक्स जो आती हैं, वैसे वैदिक मैथ्स एक प्रॉपर साइंस है, उसको समझने के लिए आपको 1 साल 1.5 साल लगेगा अगर अच्छे से करना है, क्योंकि वो अपने आप में एक प्रॉपर सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ एक मार्केटिंग गिमिक कह लीजिए, मार्केटिंग टेक्निक है, कुछ एक कंपनीज की, अगर मैं आपको बोलूँ बेस्ट सेलर एक बुक है एम टायरा की, मुझे बेहद घटिया बुक लगती है वो, मैं दिल से कहता हूँ, वैसे कोई बुक घटिया नहीं होती वैसे, लेकिन हर एक चैप्टर को करने के उन्होंने 15-15 फॉर्मूले दे रखे हैं, तो क्या आप पेपर में अगर बैठे हैं क्या आपको 200 फॉर्मूले याद होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। कभी भी ये मैजिक ट्रिक्स वगैरह वाली किताबें फॉलो ना करें, अगर आपका कोई टीचर आपको मैजिक ट्रिक्स पढ़ा रहा है तो रिस्क है बहुत ज़्यादा। अगर आप आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, जैसे मेरी स्ट्रांग नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की स्ट्रांग नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेपर क्रैक नहीं कर पाएंगे या आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं है। स्पीड है, ठीक है, स्पीड है, बेसिक मैथ सॉल्व करना आता है, बहुत है याद करना, 200 फॉर्मूला हर एक चैप्टर के 15-15 फॉर्मूले नहीं जरूरी, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये मैजिक ट्रिक्स को बिल्कुल फॉलो ना करें। कल मैंने आई थिंक प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर करवाया था, 8 क्वेश्चन मैंने किए, अलग अलग किताबों में अलग अलग, या अलग अलग जो टीचर्स हैं वो अलग अलग मैजिक ट्रिक्स बताते हैं बनाने को, यहाँ पे बैठे बैठे मैं 10 फॉर्मूले बना के आपको दे दूँ कि यार इसको स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई करके ये 4 से डिवाइड फिर से कर दो तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ये देखो एक लाइन में, क्या फ़ायदा उसका, लॉजिक समझिए। चाहे आप कोई भी MCQ का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें एप्टीट्यूड है, लॉजिक अगर आपको नहीं आता तो बहुत मुश्किल है, तो आप पास नहीं कर सकते। जो टीचर या जो बंदा आपको ये आपको क्या कहते हैं ये शॉर्टकट ट्रिक आपको बता रहा है, वो खुद ये यूज़ नहीं कर रहा, वो खुद लॉजिक ही यूज़ कर रहा है, क्योंकि लॉजिक आता होगा तभी तो उसने वो फॉर्मूला बनाया है ना, खुद तो वो लॉजिक यूज़ कर रहा है, आपको मैजिक ट्रिक सिखा रहा है, ऐसा क्यों। मैंने खुद ने आज तक कोई शॉर्टकट फार्मूला यूज़ नहीं किया, बहुत सारे टॉपर्स हैं ऐसे, एक एक फार्मूला आता है, बेसिक पता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, बस ठीक है क्वेश्चन सॉल्व करें, टाइम एंड वर्क का बेसिक, स्पीड का फार्मूला आता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, बस ये पता है और पूरा चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं, समझ रहे हैं। बेसिक फार्मूला देखें और हर टाइप के क्वेश्चन देख लें, स्पीड और डिस्टेंस कर रहे हैं तो उसके 100 टाइप के क्वेश्चन देख लें एक बार, बस इतना काफ़ी है। शॉर्टकट ट्रिक सीखने की कोशिश ना करें, ये तब होता है जब कोई टीचर किसी अच्छी किताब से क्वेश्चन लेकर आता है, उसे वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता और वो बोर्ड पे वही फार्मूला लिख देता है, क्योंकि उसे खुद को समझ नहीं आता, उसको ये बच्चों को ये बोल देता है कि ये जी मैजिक फार्मूला है, ये फार्मूला याद कर लीजिए, ये गलत है।
लॉजिक समझिए क्वेश्चन का, उसको बोलिए सर मुझे ये फॉर्मूला नहीं करना है, टीचर को, टीचर जी हमें ये फॉर्मूला नहीं करना है, आप लॉजिक समझाएं। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहली बार तो जाइए ही नहीं, अगर आप पहुंच गए हैं, अगर वो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाते हुए ऐसे कुछ आपको अजीबो गरीब से फॉर्मूले करवा रहे हैं तो उन्हें बोलिए मुझे ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, आप लॉजिक समझाइए। इवन ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फॉर्मूला है उसका भी समझने का एक लॉजिक है। तो हर, वैसे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट नहीं है लेकिन आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लॉजिक समझिए, पेपर आसान है आपके लिए। तीसरी चीज, स्टूडेंट्स गोल ओरिएंटेड नहीं है बिल्कुल भी, गोल ओरिएंटेड पहली बात स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ते। ऐसा स्टडी मटेरियल अगर आप फॉलो कर रहे हैं जो पेपर में जिसका पेपर से कुछ लेना देना नहीं है तो आप पास कैसे होंगे। मोस्टली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका स्टडी मटेरियल बेहद ख़राब होता है, बेहद आसान होता है जिसका पेपर से कुछ लेना देना नहीं है। और स्टूडेंट्स की क्या गलत फहमी क्या होती है कि जी रमन के नोट्स पढ़ लिए, रमनदीप सिंह के, इसके नोट्स पढ़ लिए, फलां टीचर के नोट्स पढ़ लिए, ये इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ लिए, ये मैंने एग्जाम पढ़ ली है, वो पढ़ ली है, एंड में वो खिचड़ी बन जाती है। कोई फ़ायदा नहीं, अगर हमने खिचड़ी पका दी है तो कुछ फ़ायदा नहीं। ऐसा कर सकते हैं कि इसका क्वांट अच्छा है, इसका रीजनिंग अच्छा है, वो एक अच्छी टेक्निक है, लेकिन 10 जगह से क्वांट पढ़ेंगे, 5 जगह से रीजनिंग पढ़ेंगे, 4 जगह से इंग्लिश पढ़ेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। हर बंदे का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अलग है, कुछ टीचर शॉर्टकट ट्रिक सिखाते हैं, कुछ टीचर लॉजिक समझाते हैं, कुछ टीचर कुछ नहीं समझाते। तो आपको देखना पड़ेगा, आपको चॉइस अपनी है, जो अपनी समझिए कि मुझे क्या चूज करना है। आपको सेलेक्ट करने हैं टीचर, आपको स्टडी मटेरियल अपना खुद से अच्छा सेलेक्ट करें और ये स्टेप्स को अवॉइड करें जितना हो सके। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ स्टेप मार्किंग नहीं है, बिल्कुल भी स्टेप मार्किंग नहीं है। आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, एलिमिनेट कीजिए ऑप्शंस को। अगर ऐसे आंसर्स हैं, ऑप्शंस ऐसी हैं ABCD, अगर ऐसी कुछ ऑप्शंस हैं, अगर आपका आंसर 240-245 आ गया है, इसके तकरीबन आ गया है, तो आप 250 को टिक करके घर आइए। आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है, एग्जैक्ट निकालने बैठेंगे तो फिर आप वही एवरेज स्टूडेंट वाली कैटेगरी में आ जाएंगे जिसके 35 मार्क आते हैं, जो 40-45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है। आपको 70 अटेम्प्ट करने हैं और 70 में से मैक्सिमम 90% की एक्यूरेसी भी पकड़ के चलते हैं, ये तो आपके 60 से ऊपर मार्क नहीं बनते हैं, समझ रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना अवॉइड करें, जितने स्टेप अवॉइड कर सकते हैं, जितना पेन का इस्तेमाल कम कर सकते हैं उतना कम इस्तेमाल करें। दो टाइप के स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूँ, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक वो जो 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं पेपर में, एक वो जो 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये 50 वाला स्टूडेंट बहुत कम पास होगा, 47.5 कट ऑफ गई है, 50-52 कट अटेम्प्ट करके आया है, चलो शायद हो जाए पास। ये 70 वाला स्टूडेंट है, एक्यूरेसी दोनों की आसपास ही है। ये स्टूडेंट एस्टिमेशन यूज करता है, अप्रॉक्सीमेशन यूज करता है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करता है, इसकी इंग्लिश अच्छी है। ये स्टूडेंट है, इसने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, क्वांट करते जा रहा है, रीजनिंग करते जा रहा है, हरे भरी किताबें खरीद के लाता है, बस वर्कबुक सॉल्व करते जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। रोज़ सुबह 6 बजे से उठ के वीडियोस देखना शुरू करता है, इसका वीडियो देख लिया, उसका देख लिया, इसका देख लिया बस, और इधर उधर फोरम पे जाके मतलब सरकार को गालियां निकालता है। गलत है ये, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। गोल ओरिएंटेड रहें, एलिमिनेशन यूज करें, अप्रॉक्सीमेशन यूज करें, रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ें, सबसे इम्पॉर्टेंट। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं, अगर आपने IBPS PO का या कभी एग्जाम दिया RRB का, आपने कभी ध्यान दिया है कि लास्ट के कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, नॉर्मली लास्ट के 10 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, फ्रंट के 5-10 क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं। ये एक कह लीजिए माइंड ट्रिक है, जो पेपर सेटर है उसकी माइंड ट्रिक है ये, कि आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं ताकि आपका एक इम्प्रेशन बन जाता है कि यार ये तो पेपर ही बहुत डिफिकल्ट है, ये तो आज होगा ही नहीं। ऐसा नहीं सोचना है आपको, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट्स, एक मुझे अभी तक याद है, एक मेरी एक स्टूडेंट हुआ करती थी, हुआ नहीं करती थी, अभी 6-7 महीने पुरानी बात है, यहीं पे लोकल स्टूडेंट थी, तो शी वॉज लाइक
23-24 ईयर्स ओल्ड। तो उसने पेपर दिया एक, आई थिंक IBPS क्लर्क दिया था, पता नहीं अभी मेरा एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, 100 मार्क वाला ही था। तो आई तो कहती कि सर ऐसे ऐसे मैंने तो इतने, मैंने तो सिर्फ 40 अटैम्प्ट किए हैं ऐसे। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहती DI का क्वेश्चन उस पर ही मैंने 15 मिनट लगा दिए और सॉल्व भी नहीं हुआ। टाइम देना था 20 मिनट सेक्शन को, 22 मिनट, 15 मिनट तो DI के सेक्शन को लगा, एक उसको 5 क्वेश्चन के सेट को लगा दिए, वो भी स्टार्टिंग में दिया। तो मैंने उसको समझाया कि जो स्टार्टिंग में कई बार एक DI का सेट लगाते हैं वो जानबूझ के, अगर 3 सेट 2 सेट आए हैं, डिफ़िकल्ट सेट सबसे आगे लगा देते हैं ताकि वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, टाइम ख़राब करें और फेल हो जाएं। अवॉइड करें, आसान क्वेश्चन को ढूंढें। आसान क्वेश्चन कहाँ होते हैं, काफ़ी गहराई में, 25 से लेके 35 नंबर तक के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, एंड के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ये मेरी बात को नोट करके रख लें, कोई भी पेपर देने जाएं एंड के क्वेश्चन ज़रूर देखें, बहुत आसान होते हैं, 1 मिनट के अंदर अंदर आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो कभी भी आसान क्वेश्चन कभी भी पेपर में छोड़ के ना आए, ये चीज़ को अपनी गांठ बांध के रख लें कि मैंने कभी आसान क्वेश्चन अवॉइड नहीं करने हैं, छोड़ने नहीं हैं। अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हैं आपको लगता है थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको थोड़ा रेस्ट दें, आप पहले अपने आसान क्वेश्चन कर लें। 35 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से 25 क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, DI का एक सेट डिफिकल्ट होगा, या कभी कभी नंबर सीरीज डिफिकल्ट आ गई, या कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया। मान लीजिए 7-8 मार्क का ही पेपर डिफिकल्ट होता है 35 में से, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, वो छोड़ें, छोड़ दें उसे। आप अटेम्प्ट ही 25-30 करें, 25-26 करें अपना, आपको खुद ही पता है ना, आप टारगेट लेकर चल रहे हैं मैंने 25 अटेम्प्ट करना है, तो आप ये भी तो टारगेट लेकर चल रहे ना, अपने 10 क्वेश्चन कौन से छोड़ने हैं सोच के जाएं। तो कभी भी आसान क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ने हैं, 35 में से कह लीजिए 10-12 मार्क के क्वेश्चन तो इतने आसान होते हैं कि अब कहिए कि जिसने 2 महीना 1 महीना तैयारी करी है वो भी 10-12 क्वेश्चन आसानी से कर सकता है। अगर मैं उसका टेस्ट लूँ ना बैठ के कि भाई ये ले 15 क्वेश्चन 15 मिनट में, अगर मुझे लगता है 7-8 क्वेश्चन तो एक नया स्टूडेंट कर लेगा जो सिर्फ पूछने आएगा कि हाँ सर तैयारी कैसे करनी है। समझ रहे हैं, आसान क्वेश्चन ही छोड़ने हैं। और बेसिक्स, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हर सेशन में हर स्टूडेंट को मैं बता के थक चुका हूँ कि अपनी कैलकुलेशन स्पीड इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, टेबल याद करें, टेबल्स याद करें, स्क्वायर याद करें, क्यूब्स याद कर लें, फ्रैक्शन याद कर लें, बस सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल, अप टू 35 छोड़िए 40 तक के टेबल याद कर लीजिए। अब जो स्टूडेंट मेरे को कहता है सर जी मेरे को 40 तक के टेबल याद नहीं होते हैं, तो बहुत मुश्किल है यार तुम्हारे लिए, ज़िंदगी ख़राब है। तो 40 तक के टेबल याद कीजिए, याद नहीं करेंगे तो ज़िंदगी ख़राब है यार, तो कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव नहीं होगी। बार बार आप मुझसे पूछ रहे हैं सर इतनी जल्दी कैसे आप कैलकुलेट कर देते हैं, या कैलकुलेशन स्पीड में कैसे इंप्रूव करूं, कैसे करूं? टेबल याद करो बस, टेबल याद नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। टेबल याद करने बहुत ज़रूरी है, स्क्वायर याद करने बहुत ज़रूरी है, स्क्वायर रूट जो कैलकुलेट करने की टेक्निक याद करें, क्यूब रूट निकालने की टेक्निक याद करें, नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल बेसिक अपना छोड़ा तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके हाथों से निकल गया। प्रैक्टिस एंड एनालिसिस करना ज़रूरी है। पहले हफ्ते में, अभी अगर IBPS PO आने में बहुत टाइम है, मॉक टेस्ट सीरीज़ अभी ना ले, कोई फ़ायदा नहीं है, मोटिवेशन ख़राब होगा, देखेंगे जो मेरे तो 35 मार्क आ रहे हैं, 30 मार्क आ रहे हैं टोटल में, तो कोई फ़ायदा नहीं है, अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। सेक्शन वाइज टेस्ट लें या चैप्टर वाइज टेस्ट लें, टाइम एंड वर्क आज किया है तो टाइम एंड वर्क का चैप्टर का टेस्ट लें, 20 मार्क का जो एक टेस्ट होगा वो लें। आप GK डाइजेस्ट पे जाएं, मोबाइल एप्लीकेशन है उस पे भी जाएं, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे, वो चैप्टर वाइज टेस्ट दें, वो इंपॉर्टेंट है। उसका एनालिसिस देखें कि मैं 20 में से 20 मिनट में क्या मैं 11 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, क्या मैं 13 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, तो इसको चेक करें। जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं उसको ऐसे ही मत छोड़िए, उसको सॉल्व कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट सीरीज लेने का यही फ़ायदा है, नए नए क्वेश्चन मिलते हैं आपको, जो 7-8 क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं उनको एक एक को पकड़ पकड़ के सॉल्व कीजिए। अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपका टेस्ट सीरीज लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप अपने पैसे खराब कर रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं। जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो पेपर से सिर्फ 1 हफ्ता पहले ही लें, 1 हफ्ता पहले रोज़ का 1 या 2 पेपर आप सॉल्व कर लें, मोर देन सफिशेंट है। रोज़ के 2 पेपर भी कर लेंगे तो
14-15 mock, 10 mock भी कर लेंगे तो 10 mock test मोर देन सफिशियंट है। 100-100 mock test ना लें, कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला नहीं है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप आप सब लोगों के लिए, अगर आप सुन रहे हैं, टेंशन ना लें, बी केयरफ्री। आपके पिताजी क्या सोचते हैं या आपके दिमाग पे के आस पड़ोस के लोग क्या सोचते हैं, आपके रिश्तेदार क्या सोचते हैं, फॉरगेट अबाउट इट, मत सोचें उसके बारे में, क्या फ़ायदा। आप इतना टेंशन लेकर अगर पेपर में जाएंगे, यार अगर मैं इस बार फेल हो गया तो मुझे तो प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी 10,000-12,000 में, मेरे को तो ये करना पड़ेगा, ऐसा मत सोचें प्लीज़। इतना नेगेटिव हो के जाएंगे पेपर देने तो क्या पास होंगे। गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कई बार फ़ोन पे मैं कर देता हूँ। आप लोग जब मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं सर मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं ये हो जाएगा अगर मुझे जॉब ना मिली तो मैं ऐसे कर दूंगा, मेरा ऐसे हो जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना करें ऐसा। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपके घर वाले क्या सोचते हैं, आपके रिश्तेदार क्या सोचते हैं। अगर आप ये आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलें, अपने आप को 5 साल के बाद आप कहाँ देखते हैं, आप Scale 2 officer, Scale 3 officer बनना चाहते हैं, ये सोच के चलें, अपने पेपर पे ध्यान दें, केयरफ्री होकर जाएं। कुछ फर्क नहीं पड़ता, हर 10 दिन बाद नया पेपर आता है, हर 10 दिन बाद आप महीने में 2 पेपर दे सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये वाला पेपर कोई आ गया फेल हो गए तो क्या होगा, जिंदगी खत्म नहीं, 1 साल खत्म नहीं, साल में एक बार पेपर नहीं होता, ये IIT का पेपर नहीं है, ये CAT का पेपर नहीं है, बहुत सारे पेपर होते हैं, IBPS PO, IBPS clerk, RRB PO, RRB assistant, RBA assistant, RBA grade B, SEBI, LIC, IRDA, NABARD कह लीजिए, KBB भी आया अभी, फेडरल बैंक, ये बैंक, वो बैंक, बहुत सारे पेपर होते हैं, अभी तो मणिपाल के पेपर भी, बहुत सारे पेपर होते हैं। सो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगर पास नहीं भी होते कुछ बड़ा इतना कुछ नहीं होगा, कोई आपका मर्डर नहीं कर देगा। अपने घर वालों को भी समझाइए कि सर जी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, डैड फादर जी ये पिताजी, अब मैं तो डैड कहता हूँ, आप जो भी कहते हैं पिताजी या जो भी डैड कहते हैं, कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अगर मैं एक बार में पास नहीं हो रहा तो मैं 2 बार में पास हो जाऊँगा, तो मुझे 1 साल का टाइम दें आप, अगर मैं नहीं भी होता हूँ तो मुझे एक सरकारी ऑफिसर बनना है, तो मैं यही बनना चाहता हूँ बस। और एक आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंजीनियर्स की, ये इंजीनियर्स का पता क्या पंगा है, अपनी कंट्री का सबसे बड़ा पंगा ये है, जिसको कुक बनना है वो इंजीनियर बनता है, जिसको पेंटर बनना है वो भी इंजीनियर बनता है, मतलब जिसको सिंगर, जो सिंगर बनना चाहता था वो भी इंजीनियर बन जाता है, मतलब जो राइटर बनना चाहता था वो भी इंजीनियर बन जाता है। देखिए बनना चाहता था राइटर, बन गया इंजीनियर, इंजीनियर बनने के बाद जॉब नहीं मिली, फिर से वो बन गया राइटर, तो क्या फ़ायदा। इंजीनियर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों ने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, अपनी डिग्री लेने के लिए आपने 4-5 लाख रुपए ऑलरेडी लगा दिए हैं, जबकि BA BCOM करने के लिए इतना पैसा नहीं लगता है। तो आप लोगों के लिए के ऊपर शायद एडुकेशन लोन होता है, बहुत सारे लोन होते हैं, या घर वालों का प्रेशर होता है, तो जब तक आपके ऊपर वो प्रेशर है तब तक आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, आपके एग्ज़ाम पास होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। मेरे पास एक दो स्टूडेंट यहाँ पे मुझे मेरे ऑफिस में मिलने भी आए थे मुझे, और मैं मिला था उनसे, बहुत 23 साल के, 24 साल के, सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। मैं कह भाई तू तो 24 साल का है, तेरी तो भी 6-7 साल पड़े हैं अभी, तेरे को क्या हो गया। नहीं सर इसके बाद मेरी हिम्मत टूट चुकी है। मैं कह यार 23 साल के बंदे की हिम्मत कैसे टूट सकती है, कैसे 23 साल के बंदे की हिम्मत टूट गई, कैसे टूट गई, मेरी समझ से बाहर है टोटली, मतलब मेरे दिमाग से बाहर है कि आप 23 साल के हुए हैं और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी अगर आप ये एग्ज़ाम पास नहीं करेंगे। नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। एग्ज़ाम देने जाइए जोश के साथ, सोच के जाइए, प्लान करके जाइए कि आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे इस बार, 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और कम से कम 60-65 मार्क लेकर आएंगे। 45 मत टारगेट कीजिए, 50 मत टारगेट कीजिए, नहीं, आपको आपको एवरेज नहीं बनना है। ये जो एवरेज है ना, ये यहां है, ये दिमाग में है, आपको एवरेज नहीं बनना है, आपको टॉपर बनना है, समझ रहे हैं, ये दिमाग में है आपके, कि आप घर से सोच के जा रहे हैं कि आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वहां पे तो आप 40 अटेम्प्ट करेंगे ना,
घर से सोच के जाइए कि आप 70 अटेम्प्ट करेंगे, मैं 22 मिनट में 25 क्वेश्चन करूंगा, मैं करूंगा। आप घर से सोच के जाए, मैं तो जी मॉक टेस्ट भी देते हैं तो आप सोच के देखिए, मैंने तो 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई पूछे कुछ नहीं फर्क पड़ता भाई, पेपर डिफिकल्ट है क्या है? मेरे साथ मेरे लिए कोई पेपर डिफिकल्ट नहीं है, आप बोलिए मेरे लिए कोई पेपर डिफिकल्ट नहीं है, दिल पे हाथ रखिए और बोलिए मेरे लिए कोई पेपर डिफिकल्ट नहीं है और मैं 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, और जो होता है देखा जाएगा। मैं 70 अटेम्प्ट करूंगा और मैं साल कम से कम 70 में से मैं तो 65 मार्क लेकर जाऊंगा, सोच लिया भाई मैंने तो। आप भी सोच लीजिए, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, सोच लीजिए मैंने तो 70 अटेम्प्ट करने हैं। मुझे नहीं पता मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन मैं 70 अटेम्प्ट करूंगा। तो ये जब आप दिमाग में ये चीज लेकर जाते हैं ना कि मुझे 70 अटेम्प्ट करने हैं, तो आप पेपर में कर लेंगे। जब आप देखते हैं 47.5 का कट ऑफ है, मुझे 50 अटेम्प्ट करने हैं, कभी पास नहीं होंगे, वो छोड़ दीजिए। लोगों को छोड़िए कि वो कितने में पास हो रहे हैं, कट ऑफ देखना बंद कीजिए, कट ऑफ छोड़ दीजिए। 47.5, पता नहीं कल को 55 की कट ऑफ आ जाए, आप 50 लेकर चल रहे थे, कट ऑफ आ गई 55। तो आप सोचिए ना, आप सोचिए कि आपको टॉपर बनना है, टॉपर और आप में क्या फर्क है? उसने भी वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आपने भी वो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आप वो भी क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, आप भी करते जा रहे हो, ये कोई IIT तो है नहीं, ये कोई बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं, क्या डिफरेंस है आप में और उसमें? सोच का डिफरेंस है कि वो सोच के जा रहा है कि उसे 70 नहीं, वो तो 80 सोच के जा रहा है कि मुझे 80-85 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, 60 में से वो कुछ सोच के जा रहा है कि मुझे 80 क्वेश्चन करने हैं, मुझे 85 क्वेश्चन करने हैं। हम लोग जब पेपर देते थे 200 मार्क का आता था, आप यकीन नहीं करेंगे, IBPS 2 के टाइम पे मैं 200 में से 196 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था, और मेरे साथ के कुछ लोग थे 200 में से 200 अटेम्प्ट कर गए, सभी पास हो गए। और आप यकीन नहीं करेंगे, उस टाइम पे हम लोगों को रीजनिंग का सिलेबस तक नहीं पता था, ये सही में बता रहा हूँ आपको। हम लोगों ने कैट का थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर रखा था और हमें सिलेबस ही नहीं पता था IBPS का अच्छे से। मैं कहा अच्छा ये सिलेबस होता है, ठीक है, क्वांट का थोड़ा थोड़ा आइडिया है, वहाँ पे देखा कुछ ना कैट का और बैंक एग्जाम्स का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तब इमेजेस वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं था, हमने इमेजेस वाले क्वेश्चन कभी करे ही नहीं थे, हमने तो पजल वजल कर रखी थी, ब्लड रिलेशन वगैरह कर रखा था, तो हम तो मुंह उठा के चले गए पेपर देने, और वहाँ पे पेपर देखा तो चलो जी 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट, छोड़िए। जिगर रखिए ना, दिल रखिए अपना, जब तक जिगर नहीं रखेंगे, जब तक आपका एक मोटिवेशन का लेवल नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। और हमारा पेपर इतना अच्छा भी नहीं हुआ था उस टाइम पे, अगर मैं याद रख करूँ, कुछ अच्छा पेपर नहीं किया था, लेकिन जब स्कोर आया था तो वेटेड TWSS स्कोर निकलता था मेरा, 100 पता नहीं 180 के तकरीबन निकल गया था, वहाँ पे लोग बैठे थे 140-145 वाले, जो कि एक एक 1.5 साल से तैयारी कर रहे थे। और मैं यहाँ पे कुछ अपने आप को वो नहीं, फ्लॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अपने कुछ दोस्तों की भी बात कर रहा हूँ, मेरे से भी ज़्यादा स्कोर लेकर आए थे और उनकी तैयारी इतनी कुछ भी नहीं थी, और इतने एवरेज स्टूडेंट थे वो। डिफरेंस क्या था? हम लोग डर नहीं रहे थे, डरना नहीं है, और सोच के जाना कि आप टॉपर हैं यार, सोच के जाएं कि आप 70-75 अटेम्प्ट करेंगे। हमें एक्चुअली बात बताता हूँ क्या थी, हमने कभी बैंक की कोचिंग लेने नहीं गए थे, और हमने कभी स्टूडेंट से बात नहीं करी थी बैंक एग्जाम वाले, यार हमें पता भी नहीं था कट ऑफ कितनी जाती है, हमें तो था जी 200 क्वेश्चन है तो चलो यार 200 में से 180-90 अटेम्प्ट कर लेंगे, तो पेपर में गए चलो 200 अटेम्प्ट कर देते हैं, हमें पता ही नहीं था कि कट ऑफ कितनी जाती है, हमने तो मुंह उठा के सारे का सारा पेपर कर दिया। सेम हेयर, आप जितना ज़्यादा फोरम्स पे जाते हैं, जितना ज़्यादा डरते हैं, जितना ज़्यादा इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं, इसी वजह से फेल होते जा रहे हैं। डरना छोड़ दीजिए, लोगों से पूछना छोड़ दीजिए कि कितना अटेम्प्ट करना है, और निडर होके पेपर में जाके 70-75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए, एक बार करके देखिए, मेरी बात मान के नहीं फेल होंगे। बड़े भाई मानते हैं, आपसे 6-7 साल बड़ा होऊंगा मैं मोस्टली आप लोगों से, तो ये चीज़ करके देखें एक बार, बिना डरे अटेम्प्ट ज़्यादा रखें, कम अटेम्प्ट ना रखें। 50 की अटेम्प्ट रखने का, 45 की अटेम्प्ट रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं बनेगा, प्री में पास हो जाएंगे, मेंस में फिर से फेल हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है, गोल बड़ा रखें, राइट। तो पिछले साल की कट ऑफ देख लें, ये सेक्शनल कट ऑफ है, सिर्फ 60 गई थी क्वांट की, बहुत कह लीजिए कम है कट ऑफ। पीओ प्री की 2016 की जो टोटल कट ऑफ गई थी, ये 47.5 गई थी, लेकिन ये तो हम टारगेट ही नहीं कर रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड ये IBPS PO मेगा प्रिपरेशन कोर्स है मेरा, इसको प्लीज़ आप इनरोल ज़रूर करें, इसके लिए आपका करियर जैसे बैंक PO बनना है, ये सब करना है,
सरकारी नौकरी लगनी है, सरकारी बाबू बनना है। मेरा जो गोल है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचना है। चैनल सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तभी मैं पहुंच पाऊंगा। और ये मेरा मेगा प्रिपरेशन कोर्स है, इस पे मैंने सारे अपने जो नोट्स बनाए हैं पिछले 2 सालों में, और हम अपडेट भी करते हैं और रेगुलर जो वीडियोज़ बनाते हैं, कुछ एक कॉन्सेप्ट की वीडियोज़ हैं जो हम यहाँ पर भी नहीं शेयर कर पाते यूट्यूब पर। और आप कह लीजिए मॉक टेस्ट हैं या चैप्टर वाइज टेस्ट हैं या फुल लेंथ आप कह लीजिए अपने जो टेक्निक्स हैं हमारी सॉल्व करने की, या डाउट क्लियरिंग सेशन है, वो सब आपको ये IBPS PO मेगा प्रिपरेशन कोर्स में मिलेंगे। GK डाइजेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लें ताकि आपकी जो GK है वो स्ट्रांग रहे मेंस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप ये नहीं करते हैं, दिन के 10 मिनट GK नहीं पढ़ते हैं, तो मुश्किल हो जाएगी मेंस के एग्ज़ाम में GK की तैयारी करने में। तो ये 3 चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी तक, अगर आपको अभी भी डाउट है, तो मेरा ईमेल आईडी है ये raman@bankexamstoday। मेरा राइटिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा ही है जैसा भी है। यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अपना नंबर भी लिख देता हूँ। वैसे मैं ज़्यादा कई बार फ़ोन उठा नहीं पाता हूँ, लेकिन आप कह लीजिए 5 बजे से लेके 6 बजे के बीच बीच मैं फ़ोन ले लेता हूँ, या सुबह भी कई बार ले लेता हूँ, वो डिपेंड करता है। कोशिश कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर कमेंट में, वैसे अगर आपको रिप्लाई में सबके कर देता हूँ, अगर कमेंट में आपको अपना जवाब नहीं मिल रहा है, तो मुझे आप मेल कर सकते हैं। और ये चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी सेम टाइम पे। राइट, थैंक यू, बाय बाय।